कोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर लाल बहादुर शास्त्री की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वाराणसी को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाकर आनंद कानन अभियान की शुरुआत भी की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास हमें 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। ये वो वर्ग है जिन्हें हम पेशेवर निराशावादी भी कह सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी की जीत का कारण कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून पसीना है। उन्होंने पार्टी की शक्ति, सादगी और सदाचार को बताया और अटल, आडवाणी, जोशी सहित अनेक महापुरुषों जिन्होंने भाजपा को नेतृत्व दिया है, उन्हें भारतीय परंपरा के चिरस्थायी मूल्य बताया जो हमें विरासत में मिले हैं। आज बीजेपी की मात्र संस्था जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। बीजेपी ने इसी मौके पर मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप इस महत्वाकांक्षी अभियान में उतरी। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य सदस्यों की संख्या को 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का है। बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपने सदस्यों की संख्या में 9 करोड़ का इजाफा करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश कर दिया है। बजट में किसानों और गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सोना और कुछ अन्य चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने में माल ढुलाई पर आने वाले खर्च बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव लगभग हर सामान की कीमत पर होना तय माना जा रहा है। 2019 के आम बजट में सोना, तंबाकू, पेट्रोल, डीजल, सीसीटीवी, पीवीसी और मार्बल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। दोषी के विपरीत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी। सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच ने दावा किया है कि भारत से अलग एक देश की मांग करने वाले खालिस्तानी आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी ISI का समर्थन मिल रहा है। सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि खालिस्तानी आंदोलन को ब्रिटेन और कनाडा में ISI समर्थित मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है और वह इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अपना अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसी के साथ ही मॉनसून 2019 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज द्वारका में दुष्कर्म पीड़ित 6 साल की बच्ची से मिलने सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्ची के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। हम केस लड़ने के लिए पीड़िता के परिवार को वकील भी मुहैया कराएंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जादवपुर विश्वविद्यालय में कहा है कि माँ दुर्गा बंगालियों के जीवन में सर्वव्याप्त है। जय श्री राम बंगाली संस्कृति से नहीं जुड़ा है। आजकल रामनवमी लोकप्रियता हासिल कर रही है और उन्होंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। माँ दुर्गा हमारी जिंदगी में मौजूद है। मुझे लगता है कि जय श्री राम लोगों को पीटने के लिए आड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने एक विवादित बयान दिया है। अपने भाई तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम भाइयों की जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम दोनों के बीच जो आएगा उस पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तिवारी डैम टूटने से एक बड़ा हादसा सामने आया था, जिसमें 19 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं NDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। इस हादसे में 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से NDRF की टीम ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गुजरात में शुक्रवार को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की।
पार्टी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगल ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया था। दो कांग्रेस विधायकों अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। मतदान खत्म होने के बाद दोनों ने राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा भी दे दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने अपनी आने वाली फिल्म तिरासी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। तिरासी का फर्स्ट लुक शेयर करने के लिए रणवीर सिंह और फिल्म की टीम ने खास दिन को चुना है। रणवीर के 34वें बर्थडे पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। लुक में रणवीर सिंह हूबहू पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा, मेरे स्पेशल डे में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ हरियाणा के हरिकेन कपिल देव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।